नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में, जो कि 2019 की भर्ती थी। 2022 में अब इसकी एक मुख्य अपडेट आपके लिए आई है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2019 वाली भर्ती थी, ये दोस्तों 2022 में एक मुख्य अपडेट लेकर आई है। जब आपके फिजिकल ले लिए गए थे उसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए आपको कोई डेट या कोई सूचना कहीं से नहीं मिली थी, लेकिन दोस्तों कोरोना काल की वजह से ये भर्ती लंबित कर दी गई थी। लेकिन अब जाकर इसके बारे में आपको एक मुख्य अपडेट दी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि आपका जो पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो आपका दोबारा से होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो जरूरी बातें हैं वो मैंने पॉइंट आउट की हुई है, 1, 2, 3, 4। कब से कब तक होंगे पीएचटी, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कब तक होगी परीक्षा और कुछ अन्य बातें। पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, 10वीं यानी कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट यानी कि 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होने आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र आपको केंद्र सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है वो चाहिएगा, जिसको हम सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो यदि आप जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नए बनवा लें तो आपको अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है 3 महीने से पहले के, यानी कि 4 महीने पुराने या 5 महीने पुराने नहीं चलेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर के जो आपके रिसेंटली फ़ोटो या जाति प्रमाण पत्र वगैरह है ये आपको लाने आवश्यक पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी यदि आप किसी और चीज़ से रिजर्वेशन चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना आवश्यक है। तो आगे देखते हैं कब से कब तक होंगे आपके पीएचटी। दोस्तों विषय है प्रधान आरक्षक 2019 की भर्ती के संबंध में। इसमें इन्होंने कहा है कि के ओ शुभ द्वारा दिनांक 1/7/2019 से 31/7/2019 तक देश भर में 94 केंद्रों पर प्रधान आरक्षक अनुसचिवीय 2019 पद हेतु पीएचटी एवं दस्तावेजीकरण का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसमें प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया कि 30 केंद्रों पर संलग्न सूची अनुसार दिनांक 13/7/2022 से 5/8/2022 उन सभी अभ्यर्थियों का पीएचटी एवं दस्तावेजीकरण पुनः करवाया जाएगा। कहने का मतलब है जिस कैंडिडेट का 1/7/2019 से लेकर 31/7/2019 तक पहली बार यानी कि पिछली बार आपका पीएचटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उन सभी का दोबारा से ये पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप देख लीजिएगा कि आपका फिजिकल इस ड्यूरेशन के अंडर में आया था या नहीं आया था। बाकी जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल सकती है। बाकी दोस्तों यदि आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो हम इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप सीधे इसको डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें इन लोगों ने कहा है कि सभी संबंधित अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र के ओ शुभ की भर्ती वेबसाइट पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से, यानी कि सीआईएसएफ की वेबसाइट पर जाकर आप इसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, जिसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो दोस्तों वहाँ फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि किसी को समस्या बनती है तो आप हमें बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत कराएंगे। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर अपने सभी मूल दस्तावेज यानी कि शैक्षणिक आयु में छूट तथा शारीरिक दक्षता में छूट के साथ रिपोर्ट करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं जो कि स्व प्रमाणित होने चाहिए, यानी कि हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पर आपके साइन होने चाहिए और आपको लगभग 2 सेट इसके बनाकर ले जाने हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों दूसरी बात करेंगे कि रिटर्न टेस्ट के अंदर आपका सिलेबस क्या था। ठीक है, काफ़ी लोग होंगे कि 2-3 साल के अंदर ये भी भूल गए होंगे कि इसमें आना क्या है। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ, OMR sheet या कंप्यूटर बेस कोई सा भी आपका किसी भी तरीके का एग्जाम लिया जा सकता है। इसमें आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे जो कि 100 ही नंबर के होंगे और समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा, जिस जर्नल इंटेलिजेंस, जर्नल नॉलेज, अर्थमेटिकल एंड जर्नल इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी व्याकरण में दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। यदि
आपको हिंदी में पढ़कर इंग्लिश में देना है तो ऐसे कर लीजिए, या इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में आंसर करने हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी इन्होंने सेंटर की लिस्ट वगैरह दी हुई है कि NCR सेक्टर में कितने बच्चे हैं, कहाँ पर क्या है, कहाँ किस तारीख से किस तारीख तक, यानी कि कौन सी डेट तक कौन से सेंटर पर आपके PHT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी समस्या का समाधान कराने में पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट वगैरह की ज़रूरत है जो आपको अवेलेबल नहीं हो पाई है तो दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको बाकायदा PDF के साथ दिए गए हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यदि आपको परेशान कर रही है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बात रही इसके सिलेबस की, दोस्तों सिलेबस की बात यह है कि सिलेबस हम आपको अच्छे से सब्जेक्ट वाइज जल्द से जल्द अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पता लग जाएगा कि इसमें चैप्टर के अनुसार कहाँ से कितने क्वेश्चंस और क्या क्या पूछा जाना है। जानकारी दोस्तों मैं आपको और दे दूं, जो आपके जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास है ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करें उनको नए ही बनवा लें। नए बनवाने के लिए आपके पास 8 से 10 दिन का समय अभी से लेकर बहुत अच्छे से है। 8 से 10 दिन में कोई भी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र आप आसानी से कहीं से भी बनवा सकते हैं, किसी भी जनसेवा केंद्र से। तो दोस्तों ये सभी बातें आपको अच्छे से देखनी है, वीडियो को अच्छे से समझना है। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। जिस प्रकार की जो भी हमारे से हेल्प बनेगी दोस्तों, CISF, हेड कॉन्स्टेबल, मिनिस्टर या किसी अन्य भर्ती के बारे में, हम आपको अप टू डेट हमेशा लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।